हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के टेस्टी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि स्टोर करने के लिए हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी हो, हम ग्लास जार्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर से कैसे हम नीटली लेवल को हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ग्लास जार लिया है उसके ऊपर लेवल्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर गर्म पानी ले रही हूँ। गर्म पानी फुल करके ग्लास जार को हम रख देंगे। और हाँ, गलती से भी इस तरह से बंद करके नहीं रखना है, हमें ग्लास जार को ओपन ही रखना है, ढक्कन बस उसके ऊपर छोड़ दें। अगर पाइप में गर्म पानी नहीं तो फिर आप इस तरह से बर्तन में थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। बॉइलिंग हॉट नहीं करना है, बस गर्म पानी ही चाहिए हमें। भाप निकलने लगे तो वहाँ पर इस तरह से आप लेबल जिस हिस्से में लगा है उस हिस्से को डुबो सकते हैं या फिर पूरा का पूरा डुबो सकते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद पानी फेंक दे और आप देखेंगे कि आसानी से जो हमारा लेबल लगा हुआ है वो निकल रहा है। इस तरह से आप पील करके ऊपर से लेबल हटा ले। कागज और गम ही है तो बाकी जो बचा है उस पर हम गर्म पानी डालेंगे। अगर आप बर्तन में पानी गर्म करके रख रहे हैं तो कुछ देर और गर्म पानी में इसको डुबो के रख सकते हैं। और देखिए, आराम से हमारे जार में से लेवल हट गया। अब इसे हम ठंडे पानी में खूब अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। किसी भी डिशवॉश सोप या फिर लिक्विड लेकर आप इस तरह से क्लीन कर दें। अगर हाथ से लेबल ना हटते तो फिर आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्क्रेच मत कीजिएगा क्योंकि बाद में फिर आपके जार के ऊपर स्क्रेच के सारे मार्क्स रह जाएंगे और फिर उसके ऊपर पेंटिंग करना मुश्किल होगा। हाँ, स्टोर करने के लिए आपको चलेगा, पर फिर भी ग्लास जार के ऊपर मार्क्स अच्छे नहीं दिखते। देखिए कितने आसानी से हमारा जार क्लीन हो गया। अब इसे खूब अच्छे से सुखाना है। एक दिन के लिए ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए पोंछ के अच्छे से, और फिर आप आपके किसी भी पेंटिंग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर स्टोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ जिद्दी गम होते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते। अगर आप स्पून लेके इसके ऊपर स्क्रेच करने जाओगे तो बहुत ही गंदे हो जाएंगे, तो गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। इसके लिए भी हमारे पास एक सुपर इजी फॉर्मूला है। इस तरह के जिद्दी दागों को या फिर गम को निकालने के लिए क्या करें, किसी भी एक प्लेट में हमें 1 टेबलस्पून सोडा बाइकार्बोनेट लेना है, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं, वही सोडा बाइकार्बोनेट 1 टेबलस्पून लेना है। आप बेकिंग पाउडर का यूज मत कीजिएगा, सोडा ही हमें चाहिए, बेकिंग सोडा भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ हमने 1 टेबलस्पून सोडा बाइकार्बोनेट ले लिया, और कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप खाने के लिए यूज करते हैं, कुकिंग के लिए जो ऑयल आप यूज करते हैं, 1/2 टेबलस्पून लेना है, यानी जितना आप सोडा लेंगे उसका आधा ऑयल लेना है और उसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, कुछ टूथपेस्ट जैसा बन जाएगा। तो अब इसे आप किसी ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर हाथ से भी लगा सकते हैं। जहां पर आपका गम लगा है उसके ऊपर एक परत जैसा
इसे लगा लें। इस तरह से पूरे के पूरे एरिया पर आपको इस सोडा और ऑयल का मिक्सर या फिर पेस्ट लगा लेना है। एक मोटा परत बन जाएगा। अच्छे से इसे लगा के हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप थोड़ा सा एरिया में इसको चेक कर लें हाथ से इस तरह से। अगर आसानी से आपका गम निकल रहा है, क्लीन हो रहा है, तो फिर आप बाकी के एरिया को किचन टॉवल से क्लीन कर सकते हैं। आप चाहे तो स्पॉन्ज लेकर भी इसे क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से सर्कल मोशन में आप इसे क्लीन करते जाएं और देखिए कितने आसानी से जिद्दी गम भी निकल जाता है। कोई स्क्रेच का निशान नहीं, कुछ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन आपका जार हो जाएगा। अब इसे अच्छे से पोंछ लेना है। थोड़ा भी गम कहीं पर नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब भी आप सोडा का पेस्ट लगाए तो आपका गम वाला एरिया पूरा सूखा होना चाहिए, उसके ऊपर ही पेस्ट लगाना है। और बस जैसे नॉर्मली आप वॉश करते हैं, डिश वॉशिंग सोप से ठंडे पानी से धो लीजिए। आपका जगमगाता हुआ जार तैयार है विदाउट एनी स्क्रेच। अगर स्पून लेकर उसको निकालने जाएंगे तो कितने सारे स्क्रेचेस आ जाते हैं, पर देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आपका जार रेडी है फॉर एनी प्रोजेक्ट। आप इस पर पेंटिंग करें या फिर किचन के स्टोरेज के लिए रीयूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।